हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस गिवन लैम्डा नॉट Ca2 पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट PO4 3 नेगेटिव आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस। ठीक है, सो यहाँ पर आपको नोट करना है कि वर्ड क्या यूज किया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलराश लॉ क्या कहता है, कोलराश लॉ ऑफ कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये क्या कहता है कि आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से द इलेक्ट्रोलाइट इज AXBY, तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया। ठीक है, तो सो एक्स ए पी पॉजिटिव बनेगा एंड वाई बी क्यू नेगेटिव बनेगा। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट AXBY का जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो क्या से निकालेंगे, तो ये कोलराश लॉ क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या लिखूंगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, लैम्डा नॉट EQ। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा Not EQ of its cation. Cation कौन सा है, ए पी पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट EQ ऑफ इट्स एनायन, दैट इज बी क्यू नेगेटिव। ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, किसका होगा ये, AXBY का होगा। तो अगर मेरे पास Ca3PO4 ऐसे ट्वाइस दे रखा है, तो डिसोसिएट करेगा किसमें, Ca2 पॉजिटिव में एंड PO4 3 नेगेटिव में। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा लैम्डा नॉट EQ ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, इट इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। सो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस ऑफ कैटायन Ca2 पॉजिटिव का क्या है, लैम्डा नॉट Ca2 पॉजिटिव दिया हुआ है एंड एनायन का दिया है लैम्डा नॉट PO4 3 नेगेटिव दिया है। ठीक है, सो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रियली वेरी वेल। थैंक यू।